के अंतिम दिन नव वर्ष के प्रथम दिन को लेकर होने वाले विभिन्न आयोजनों के दृष्टिगत जनपद पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने नौका विहार सहित अन्य क्षेत्रों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जनपदवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने मौजूद सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे की मदद से निगरानी की जाएगी। वहीं लगातार पुलिस टीम पेट्रोलिंग कर लोगों को जागरूक करने का कार्य भी करेगी। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया, समस्त जनपद वासियों को मेरे तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी शुभकामनाएं है कि आने वाला नव वर्ष आपके लिए सेहत और संपन्नता लेकर आए, सुखमय रहे। आपकी इसी सेवा में गोरखपुर पुलिस ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को विशेष पुलिस व्यवस्था की है, जिसमें कि गोरखनाथ मंदिर, नौकायान, बुढ़िया माता मंदिर व अन्य जगह जहां पर कि पर्यटकों का, हमारे जनपद वासियों का आना जाना ज़्यादा होगा, वहां पर पुलिस व्यवस्था की गई है। साथ ही बड़े वाहनों को जनपद में प्रवेश निषेध करके ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है। पैडलेगंज का जो क्षेत्र है, पैडलेगंज से लेकर हनुमान मंदिर तिराहे तक जो नौकायान का क्षेत्र है, वहाँ पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए ट्रैफिक डाइवर्जन करवाया गया है और वहाँ पर पार्किंग व्यवस्था भी दी गई है वाहनों की, जिससे कि जनपद के समस्त वासी अपने परिवार के साथ 31 दिसंबर और 1 जनवरी का लुत्फ उठा सकें।